प्यारे साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सुबेदार नरेश कुमार। दोस्तों एनसीसी की डायरेक्ट एंट्री है आर्मी के अंदर। अगर आपका सपना है इंडियन आर्मी में जाने का और वो भी ऑफिसर से भर्ती होने का, तो बहुत आसान तरीका है। इंडियन आर्मी ने 50 वैकेंसियां जेंट्स के लिए और 5 वैकेंसियां महिलाओं के लिए, 55 वैकेंसियां निकाली हैं, जिसके लिए मांगा गया है सिर्फ और सिर्फ एनसीसी का सी सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन 50% मार्क्स है। आपने आर्ट से किया हो, साइंस से किया हो, किसी भी सब्जेक्ट से, आप सिर्फ बीए पास हैं, 50% आपके मार्क्स हैं और आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, तो आप इसके लिए ऑनलाइन फार्म भर सकते हो। इसके लिए ऑनलाइन फार्म भरे जा रहे हैं। तो दोस्तों आर्मी के अंदर, इंडियन आर्मी के अंदर ऑफिसर्स की डायरेक्ट एंट्री की जा रही है। ये हर साल निकलती है वैकेंसियाँ। देखिए आर्मी ऑफिसर्स के लिए 5 तरह से एंट्रियाँ होती है, OTA द्वारा, SSB द्वारा, लेकिन सबसे जो आसान एंट्री है टेक्निकल द्वारा, अगर आपने टेक्निकल कोर्स किया हुआ है। लेकिन सबसे जो आसान तरीका है वो है एनसीसी का। एनसीसी के जो स्टूडेंट हैं, जिन्होंने एनसीसी कर रखी है, जिनके पास सी सर्टिफिकेट है, तो उनके लिए ये ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसके लिए आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट है 19 साल से लेकर 25 साल तक। तो दोस्तों आप लोग TA भर्ती, अग्निवीर, इनके चक्कर में रहते हो, आप लोगों को कोई गाइड नहीं करता है, इसलिए आप रह जाते हो। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट बहुत नौजवानों के पास है, लेकिन वो 12th पास करके घर बैठ जाते हैं या अफसर के लिए ट्राई नहीं करते। वो सोचते हैं नहीं, मैं अफसर के लायक नहीं हूँ। देखिए आर्मी के अंदर अफसर में भर्ती होना बहुत ईजी है अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है। बहुत अच्छी एंट्री है। इसके अंदर सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा और कुछ भी नहीं होगा। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, बीए पास हो, तो आपका सिर्फ एक इंटरव्यू होगा और नॉर्मल एग्जाम होगा। आप इसके लिए डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। लेकिन क्या है ना, आप लोगों को कोई गाइड करने वाला नहीं होता, बताने वाला नहीं होता। नहीं तो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट बहुत नौजवानों के पास है, लेकिन वो सिपाही से भी भर्ती नहीं हो पा रहे। इसका मेन कारण क्या है? नॉलेज, ज्ञान। आपको कोई बताता नहीं, कोई गाइड नहीं करता, बस यही बताया जाता है कि एनसीसी का सी सर्टिफिकेट ले लो और आर्मी के अंदर हमारा रिटर्न एग्जाम नहीं होगा और हम सिपाही से भर्ती हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा बड़ा सोचो, थोड़ा ऊंचा सोचो। आप अफसर के लिए भी अप्लाई करो, आप भर्ती हो सकते हो। अभी इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए जिस कैंडिडेट के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है। सरकारीresult.com पे इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। आर्मी शॉर्ट सर्विस कमीशन, SSC कमीशन जिसको बोलते हैं, उसके ऑनलाइन फॉर्म निकले हुए हैं। टोटल पोस्ट है 55। अगर आप आर्मी अफसर का सपना देख रहे हो, आपका सपना है आर्मी अफसर से भर्ती होने के लिए, तो आप हिंदुस्तान में कहीं के भी रहने वाले हो, मेल हो फीमेल हो, इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आवेदन करने की डेट है 5 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक। ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, कोई भी शुल्क नहीं है, कोई फीस नहीं है। 50 पोस्ट है जेंट्स के लिए और 5 पोस्ट है महिलाओं के लिए। केवल एवी वाइज अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 50% अंकों के साथ आप बीए पास होने चाहिए, चाहे आर्ट से हो, साइंस से हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन 50% चाहिए बीए पास। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट चाहिए। एज लिमिट है 19 से लेकर 25 साल तक। ये इसका पूरा बायोडाटा दिया गया, आप सरकारीresult.com पे सर्च कर सकते हो। आर्मी अफसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, बहुत आसान इजी तरीका है। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है और बीए पास है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो।